जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आइफैक्टनर के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आइफैक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जल्दी से रीकैप कर लेते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है कोई एक्शन परफॉर्म करता है वर्ब के ज़रिए। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिया है कि आई हैव बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग, मैं उसे सुबह से कॉल कर रहा हूँ। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा टेंस होता है जिसमें हम बताएं कि मैंने ये काम इस टाइम पे शुरू किया था और अभी भी बोलने के टाइम भी मैं वो कर रहा हूँ, मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल है। तो इसमें देखें कि ये जो आई है सब्जेक्ट, ये क्या है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, हैव बीन कॉलिंग, और किसके ऊपर एक्शन कर रहा है या किससे रिलेटेड, हिम ऑब्जेक्ट है, कब से, सिंस मॉर्निंग, तो इसमें आपने टाइम पीरियड देना है। और पैसिव वॉइस हमने डिस्कस किया है कि उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर वर्ब काम करता है। यानी कि इसी सेंटेंस को अगर हम उलट कर देंगे तो वो पैसिव वॉइस बन जाएगी। यानी कि मैं आपको सुबह से कॉल कर रहा हूँ या मैं उसे सुबह से कॉल कर रहा हूँ, वो मुझसे सुबह से कॉल हो रहा है, तो ये पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल है। इंग्लिश में हम इसे इस तरह कहेंगे, ही हैज़ बीन बीइंग कॉल्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग। तो ये देखें कि यहाँ पे जो हमारा हिम था वो ही में चेंज हो गया और सब्जेक्ट बन गया, और क्या है कि अब सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, ही हैज़ बीन बीइंग कॉल्ड बाय मी, बीन बीइंग कॉल्ड, तो यानी कि उस पर काम कर या किया जा रहा है, सब्जेक्ट को कॉल की जा रही है, तो वो पैसिव वॉइस की एग्जांपल है। इसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं दोस्तों, ज़रा गौर से सुनिएगा। जिस तरह हम एक्टिव वॉइस में, और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये एक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हमारे पास क्या है, ही हैज़ बीन वॉशिंग हिज कार सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अपनी गाड़ी धोई जा रहा है। यानी कि सुबह उसने शुरू की थी और अभी तक धो ही रहा है जब हम बात कर रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस की एग्जांपल है। इसमें आप देखें कि ही जो है वो मैंने ब्लू में रिप्रेजेंट किया हुआ है और वो है सब्जेक्ट। उसके बाद एक्टिव वॉइस में क्या हैज़ या हैव बीन आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, फिर वर्ब की ing फॉर्म आती है वॉश से washing, फिर आता है जी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हिज कार, और फिर आता है जी फॉर या सिंस। फॉर जब हमने बताया ना हो 2 घंटे से, तो आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि कब से, 4 बजे, अभी 6 बजे हैं तो ये 4 बजे, लिसनर ने जब अंदाज़ा लगाना हो तब हम फॉर यूज़ करते हैं। और जब जो स्पीकर है वो खुद ही बता दे सुबह से, 1990 से, कल से, तो फिर हम सिंस लगाते हैं, ठीक है जी। और आखिर में आ जाता है टाइम, ही हैज़ बीन वॉशिंग हिज कार सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अपनी गाड़ी धो रहा है। इसी चीज़ को हमने पैसिव वॉइस में कहना है तो हम क्या कहेंगे कि उसकी गाड़ी सुबह से उससे धोई जा रही है, ठीक है। इसी चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम क्या कहेंगे, हिज कार हैज़ बीन being, इस पर ज़रा गौर करें, his car has been being washed by him since morning, ये पैसिव वॉइस में है। तो इसमें हमने क्या किया, his car जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में उसको उठा के हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद क्या आएगा, has been being या फिर have been being, क्योंकि थर्ड पर्सन की बात हो रही है, थर्ड ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, हिज कार, इसलिए हैज़ बीन बीइंग आ गया।
ठीक है जी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, ये याद रखें, एग्जाम्स के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, वॉश वॉश्ड वॉश्ड, ठीक है जी। और फिर बाय लगाना है, फिर जो है ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट, और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो बन जाता है सब्जेक्ट। तो ही क्या हो गया, हिम, और फिर आ जाएगा टाइम पीरियड, सिंस मॉर्निंग हिज कार हैज़ बीन बींग वॉश्ड बाई हिम सिंस मॉर्निंग। तो याद रखें ऑब्जेक्ट हैज़ बीन बींग या फिर हैव बीन बींग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय, फिर जो भी है ऑब्जेक्ट, और फिर टाइम, हिज कार हैज़ बीन बींग वॉश्ड बाई हिम सिंस मॉर्निंग। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक्टिव वॉइस में हमारे पास है जी, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर लास्ट 10 मिनट्स, मैं आपको पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। अब फॉर क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि अब आपने लिसनर ने अंदाज़ा लगाने के एग्जैक्ट टाइम क्या था, स्पीकर नहीं बता रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको 5:10 से पढ़ा रहा हूँ, अगर मैंने ये कहना होता तो मैं आपको कहता आई हैव बीन बींग आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 5 o'clock, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आपने खुद अंदाजा लगाने में आपसे को कब से पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए फॉर आ गया। इसी चीज़ को यहाँ पे आप देख लें कि ये सब्जेक्ट क्या है, आई हैव बीन टीचिंग, ये हमारा वर्ब हो गया, यू जो है ऑब्जेक्ट है, और फॉर लास्ट 10 मिनट्स टाइम है। तो क्या होगा, जो यू है ऑब्जेक्ट वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो यू से हम शुरू करेंगे, यू मैंने आपको बताया हैज़ बीन बींग लगता है या हैव बीन बींग लगता है, आई यू वी दे और जो प्लूरल्स होते हैं उनके साथ हैव बीन बींग लगेगा, ही शी इट और थर्ड पर्सन्स के साथ या सिंगुलर्स के साथ जैसा जान उसके साथ हैज़ बीन बींग लगेगा। तो हम क्या कहेंगे, यू हैव बीन बींग, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीच टॉट टॉट, यू हैव बीन बींग टॉट, बाय लगना है, और जो यहाँ सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो आई किस में कन्वर्ट हो गया, मी में, यू यू ही रहता है, ही जो होता है वो हिम बन जाता है, शी जो होता है वो हर बन जाता है, इट इट ही रहता है, वी जो होता है अस बन जाता है, इसी तरह दे जो होता है देम बन जाता है, ये याद कर लें। तो क्योंकि आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में, यू हैव बीन बींग टॉट बाई मी फॉर लास्ट 10 मिनट्स। एक्टिव वॉइस है जी, शी हैज़ बीन स्कॉल्डिंग हर चाइल्ड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अपने बच्चे को डांट रही है। तो यहाँ पे शी जो है वो सब्जेक्ट हैज़ बीन स्कॉल्डिंग वर्ब, हर चाइल्ड जो है ऑब्जेक्ट है, और सिंस मॉर्निंग टाइम पीरियड आ गया। तो ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट से हमने पैसिव वॉइस में शुरू करना है, तो किससे हम शुरू करेंगे, हर चाइल्ड हैज़ बीन बींग वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड बाय हर, ठीक है, शी मैंने आपको बताया था हर में चेंज हो जाएगा, बाय हर सिंस मॉर्निंग, हर चाइल्ड हैज़ बीन बींग स्कोल्डेड बाय हर सिंस मॉर्निंग, कि उसके बच्चे को उससे सुबह से डांट पड़ रही है। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, ही हैज़ बीन ड्राइविंग हिज कार सिंस 2018, उस 2018 से अपनी गाड़ी चला रहा है और अभी भी चला रहा है, तो इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ कर रहे हैं एक्टिव वॉइस में। ही सब्जेक्ट हैज़ बीन ड्राइविंग जो है वर्ब, हिज कार ऑब्जेक्ट सिंस 2018 टाइम, तो हिज कार जो है ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, हिज कार हैज़ बीन बींग, क्योंकि थर्ड थिंग है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, हिज कार हैज़ बीन बींग ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रिवन, तो इसलिए हमने ड्रिवन यूज़ किया पैसिव वॉइस में। हर हिज कार हैज़ बीन बींग ड्रिवन बाय, ही किस में चेंज हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा, हिम में, शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में, ठीक है, तो ही चेंज हो गया हिम में, हिज कार हैज़ बीन बींग ड्रिवन बाय हिम सिंस 2018, कि उसकी गाड़ी उससे 2018 से चलाई जा रही है।
एक्टिव वॉइस की एक और एग्जांपल लेते हैं, वी हैव बीन गिविंग फ्री फूड फॉर लास्ट टू डेज, हम पिछले दो दिनों से मुफ्त खाना दे रहे हैं. वी सब्जेक्ट, हैव बीन गिविंग वर्ब, फ्री फूड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फॉर लास्ट टू डेज जो है टाइम के लिए यूज हुआ और ये इसी तरह रहेगा. तो ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में. फ्री फूड से हम शुरू करेंगे, फ्री फूड हैज़ बीन बीइंग गिवन, और वी किस में चेंज हो जाएगा, अस, ठीक है, हैव बीन बीइंग गिवन, बाय लगाना है, बाय अस फॉर लास्ट टू डेज. फ्री फूड हैज़ बीन बीइंग गिवन बाय अस फॉर लास्ट टू डेज, कि मुफ्त खाना हमसे पिछले दो दिनों से दिया जा रहा है. एक दफ़ा जल्दी से रिपीट कर लेते हैं ये सारी की सारी एग्जांपल्स. आई हैव बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, ही हैज़ बीन बीइंग कॉल्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन वॉशिंग हिज कार सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, हिज कार हैज़ बीन बीइंग वॉश्ड बाय हिम सिंस मॉर्निंग. आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर लास्ट 10 मिनट्स हो जाएगा, यू हैव been being taught by me since या फिर for last 10 minutes. She has been scolding her child since morning हो जाएगा, her child has been being scolded by her since morning. He has been driving his car since 2018 हो जाएगा, his car has been being driven by him since 2018. और वी हैव बीन गिविंग फ्री फूड फॉर लास्ट टू डेज हो जाएगा, फ्री फूड हैज़ बीन बीइंग गिवन बाय अस फॉर लास्ट टू डेज. दोस्तों अब टाइम हुआ है टेस्ट का, मैं एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस बोलूँगा और उसको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है और नीचे दिए गए कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करना है. मैं आपको चेक करके बताऊँगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं, तो ज़रा गौर से सुनिएगा. जैसे मैं कह सकता हूँ, I have been writing a letter since morning. I have been writing a letter since morning. I subject है, have been writing verb, a letter object, और since morning time है. तो जो object है a letter वो subject बन जाएगा. इतना hint काफ़ी है. आ लेटर से शुरू करें और पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करें. दोस्तों थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया. कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. मैं हूँ आइफैक्टनर, मिलूंगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में. अनटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे. लाइक शेयर सब्सक्राइब Ifactner.